जहिया पेटे में से लड़का पैदा होले ना 10,000 बिछी के टाण के दर्द होला। जहिया लड़का पैदा होले माई जहिया पैदा कैले हुई उतना दर्द भइल हुई। आ एक जगह और दर्द होला का जन्मत मरत मरे के बेर उतने दर्द होला। अच्छा बताइए माई के दाह के उपुरा दी माई के तो दौन दशा इतनी पर होता का जानी एक खुरकुचनी में होता कि नहीं हमारे यहाँ तो खूब होता। सबसे संकट विपत माई के ऊपर बा नारी के खाना और साड़ी हजार बा अजे 9 महीना ढोलो के लुगरी मोहाल बा मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धरम आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माई के पेटे में बच्चा होके खुरकुचनी के सारी बेटियां बहन गौर करेंगी। माई के पेटे में लड़का बा बच्चा होके वाला बा अल्लाह दिफान के कसिया ले जाई डॉक्टर कहिया दूगो में एक के बची या तो तहर पतो ही बची या ना तो नाती तो घर वाला के बचावे कहिया ससुरो कही पतो ही बच जा ससुरियो कही पतो ही बच जा मर्दो कही मेहरारू बच जा लेकिन वो माई से पूछल जा जौने के पेटे में बच्चा बा या तो तू बचबू नहीं तो तोहर लड़का वो माई के बचावे कही। सही बोलो पत्थल के करेजा माई के नाम होला है बाबू। माई कबो कही डॉक्टर साहब हमरे बाबू के बचा ली हमरी बेटा के बचा ली सरकार बाबू बच जा मरियो गैले के बाद लोग कही एगो लड़का पैदा चिन्हा को के गैल बा। अब बेटा मर जाई अगर आज से लड़का ना होके तो हमार बझिनिया नाव धरा जाई गांव में मुंह ना देखा पाए। महतारी कबो बेटा के मुंह आवल ना चाहिए। अब बाप बाप अपनी बेटा के कबो ऐसा ना चाहिए कि हमारा बेटा के पगड़ी नीचे होके। एक महीना दूध पियल जाए तो देही में जांगर बताई आ एक बोतल दारू पी लो तो क्यों नहीं बोली कौने में पावर 20 बा दारू में कि दूध में बोला ना पूरा गांव में साधु हका हो क्यों नहीं पियला दूधे में ताकत बाग दारू में आ तो दारू दारू रटत रह तो 3 घंटा ना चाही दरुईया 3 घंटा ना चाही आ सुबेरे उठिया तो बुझाई हथियारी लागल बा फड़ पड़ी दारू का लीला हो। आ दूध पीने वाला सुबेरे उठेगा तो कैसे छरकत चली ताड़ी पीटत चली कभी ताकत डैमेज नहीं होगा। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना तो बड़ा पापड़ बेलोगे तो इंगेज होगा सुंदर विचार बनाओगे तो बढ़िया पोस्टिंग होगा। आ चोर बदमाश बनाओगे तो कोई चौराहा पर सिक्सर लेके दू जने के ठोक दे बमचक में जाए फलान लड़का बदमाश हो गए चार नदिया दही ले ला तने हमारा और तकी हो बजरा टार महुआ से बेचत है पर चल जाओ कौनो कही सरिया नहीं क्या कौनो कही फाटल बा कौनो कही बसाता ओकर सारी दही नहीं है बिकाई। आ 500 बोतल दारू लेके ऊखी में बैठ तो ओकर गहकी गुड़िया लिहेंगे ना का हो फुरकुचनी के लोग बोले हिला तक नहीं गाँव कबले हिले बा लोग कबले हिली न बैठो के काजे से सुंदर विचार बनाओ। घर में अगर एगो साधु हो गया ना तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे दोनों तर जाएगा। दशरथ जी जियल तबले अब मर गए तबो मरे के बेर भी भगवान को मुक्ति को प्राप्त किए। आज लाख लाख आशीर्वाद जौन स्वर्गीय रामनयन सिंह जी के जौनी फोटो लगल बा बैनर लगल बा जौने मूर्ति के दिखा के हमनी के इ कजिया में कार्यक्रम होता आज उहे कथा हम बोले जाता नहीं और उरा दिल पर जोर कर जाए कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा भेजू ससुर असल में एक बात और बा अभी हाल है हमारे कथा रहा छपरा छपरा 9 दिन का प्रोग्राम था बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कथा कहे गली जने बाबू साहब कहले गुरु जी गड़िया रोको गाड़ी हमारे खड़ा हो गई कहली कहाँ हो कहले रोरा 9 दिन कथा कहली हो हमारा गांव में गर्दा गर्दा मच गल बाकी हाँ तो उतना बढ़िया विद्वान के हूँ ना बा। उन्होंने कहा बढ़िया बा अत बाबा जितना कथा कहले बानी
हमारे इलाका में और नाम माला लोग जपता हमने का निमन बा कहले बाबा सजी निमन बा हम ही जान ना पौनी कि राम राक्षस रह कि रावण मने बा हे बा काना बुझल आ ते बाबा राम राक्षस रह कि रावण हम कहनी हे बाबू न राम राक्षस रह न रावण राक्षस रही हम कि तोहरी ऐसा राक्षस की यहाँ नौ दिन का था कहली तो खुरकुचनी के लोग के घोड़े पर गिरता नहीं हम अपन दिमाग तो कतई बदल लो भाई दिमाग जरूर बदल करके कथा को सुनना अब कथा हमें जो शुरू करे जाता नहीं जब राम के वनवास भई आ सुमंत जी रथ लेके जब अयोध्या में गई ला माताएं बहने आगे आ जाओ आगे जगह बा आगमा बा आगवा आ जा लोगों नौरी हाँ बढ़ जाए आगे बड़ा तकदीर बाग ये टोला पर बुला दल जाए दादा लाख लाख आशीर्वाद हेमंत जी के कि वीरेंद्र बाबा जैसन व्यक्ति के बुला के बाप हो बाप अपने तो अपने पवित्र हो तड़े पूरा गांव धन धन दो दिन प्रवचन माया जो हो या बिहन हो बोलो सच्चे दरबार की जय सुमंत जी रथ लेके वापस जाता रहे तुलसी बाबा लिखली कि बरबस राम सुमंत पठायो तीर आप तमयायो सर तीर आप तमयायो सर तीर आप तमयायो सर तीर बोल दिए अयोध्या धाम की बरबस राम सुमंत पठायो सुरसरी तीर आप तब आयो ये मानस की कथा है और अयोध्या कांड है अयोध्या कांड रामचरितमानस की पोथी मेरे सामने है और जितने भी द्वार पढ़े लिखे लोग हैं शिक्षित वर्ग के लोग जो हमारे बाबू भैया बैठे हैं इस कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना सुमंत जी जब अयोध्या में गए ले तो दशरथ जी कहें कि कौशल्या सुमंत अल कि ना कली की सरकार अभिन तना आल बड़े सुमित्रा से कहेगी सुमंत आज कितना दिन हो गए ले ना लेकिन सुमंत जहिया आइला सांझी के बेरा त रात भर रथ रोकल सुबेरे वशिष्ठ जी के लेके गईले कमरा में कौशल्या कली महाराज सुमंत आ गए हैं दशरथ जी कहे सुमंत के हमरा लगे बुलाओ लोगन आज जब सुमंत अल त दशरथ जी कहे कि सुमंत एक बात बतावा हमार राम लवट के वापस अले कि ना आज हेमंत के पिताजी जियत रहते लड़कन के पूछत रहे कि ना ना पूछत रहे अरे बेटा कितनों नलायक होके बाप मानी कि ना मानी जितना दिन जिये के बाद जरूर होके बेटा मानी देखिए एगो बाप अगर दारू पिया तो कतई ही नहीं चाहिए कि हमारा बेटा दारू पिए एक पिता अगर सिगरेट पी रहा है तो कतई ही नहीं चाहेगा कि मेरा भी बेटा सिगरेट पिए एक पिता अगर जुआ खेल रहा है तो कतई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी जुआ पिता कभी अपने पुत्र का बुराई सोचेगा सोचेगा कभी नहीं दशरथ जी कहले कि सुमंत बतावा राम लवट के वापस आई ले सुमंत जी कहले सरकार बड़ा आग्रह कर लिए बहुत निवेदन किया गया बहुत कहला के बाद ना आईली दशरथ जी कहले अच्छा तो राम ना आई है तो सीता आईली है कि ना कले उहों का कली गरुआ चली तो कली कि हम बिना राम बिना भगवान के कैसे रहूंगी कहले कि अच्छा तो दोनों जन ना आये तो लक्ष्मण आईला कि ना कहले सरकार लक्ष्मणों जी ना आईले हैं लेकिन एक चीज रुआ से कहत के शर्माता नहीं लक्ष्मण जी अनुचित मानी बोलल बड़े राम कहले रहे कि लक्ष्मण ई बात है ई बोलत त बड़ा सुमंत तू घरे बतैया मत लक्ष्मण जब भगवान के कष्ट देखले तो कुछ उल्टा बोलल रहे
ये बात कहने वाली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी कहे कि ना आई लो, सुमंद जी कहे सरकार केहू ना आई। दशरथ जी कहे कि कौशल्या अब हमार तबीयत घबराता, कली स्वामी कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करें। दशरथ जी कहे कौशल्या हमारी आंख पर पर्दा पड़ता, हमार हाथ पकड़। कौशल्या कमरा में हाथ पकड़ ली, सुमित्रा से कहे कि सुमित्रा हाथ पकड़। दशरथ जी कहे कि कौशल्ये कौशल्ये। दशरथ जी के माथा गड़बड़ हो गई। दशरथ जी कहे कौशल्या हमारा सामने दू को व्यक्ति कमरा में खड़ा बड़े। कौशल्या कली महाराज कमरा में कोई नहीं है। दशरथ जी कहे कौशल्या हमारा सामने दू को आदमी खड़ा बड़े। ईमानदारी से बोलिएगा, मरे के बेर हमनी के निमनका कैल बा तौन लौके लगी बौरुका। जो बुरा किए हो दिखाई देगा कि अच्छा, जो बुरा किए हो। दशरथ जी का बुरा कैले रहले, श्रवण के अपनी बाण से मरले रहले, श्रवण के बाण से मरले रहले, श्रवण के माई बाप अंधा रहले। आज दशरथ जी कहते कौशल्या श्रवण के माई बाप खड़ा बड़े, श्रवण के माता पिता खड़े हैं। कौशल्या कली महाराज कमरा में कोई नहीं है। दशरथ जी कहे कौशल्या तोरा मालूम ना बा, जैया बियाह नहीं भैल है तैया शिकार खेले गैली। आ श्रवण कमंडल के पानी भरत रहे, शब्द सुन के उनका छाती पर बाण मार दिली। कहली तब का भाई, श्रवण के लग जब गैली दशरथ जी कहले गैली तो कहले कि हमारा माई बाप के पानी पिया दे राजा। कमंडल में पानी लेके गैली तो श्रवण के माई बाप पूछले के है। कहली हमार नाम दशरथ, कहली हमार बेटा श्रवण का भैले, कहली कि तोहरा बेटा के अपनी बाण से मार दे बनी मर गई ले। श्रवण के माई बाप कहले कि दशरथ जल दो, जोन पानी ले आल बड़ा पानी दो। पानी दिहली है श्रवण के माई, उहे जल लेके श्राप दिहली कि दशरथ जौनी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर तड़प, जौने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर तनी तो के श्राप दे तनी। हमरा तो एगो बेटा बा तड़प के मर तनी, तोरा चार बेटा होइए, चार बेटा होइए तड़प तड़प के मर जइबा, तड़प तड़प के, तड़प तड़प के। दशरथ जी आखिरी लाइन बोल रहे कि हा रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन कहता प्रीते। हेलो प्राण हा रघुनंदन प्राण पीरीते, हार प्राण पीरीते, हार घुलंदन प्राण पीरीते, हार घुलंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी कहे कि हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बाप जब मरे लगल तो पहले के बुलावे, तुरंत कहिए तन बाबू को बुलावा हम देख, बड़का लड़का के बुलावा, छोटका लड़का के बुलावा, ये दोनों लड़कन के सामने अपना आंख के सामने देख ले हुई बुढ़ऊ। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिना जियत बहुत दिन बीते, तहरा बिना जियत बहुत दिन हो गए राम, अभी प्राण निकलल चाहता। कौशल्या कली स्वामी रवरा नहीं रहला के बाद ये घर में के रही,
कि अयोध्या अनाथ हो जाएगी। दशरथ जी कहले कौशल्या होनी को कोई टाल नहीं पाता है ना। राम राम कही राम कही आ राम राम कही राम आ तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुर मर गए नए बाबू। यहां जितने लोग बैठे एक बात बताइएगा, बहुत लोग के कहे लगे बाबा हमारा चार गो बेटा मरे कोनो तो कामे आई, हमारा तीन गो बाणे कोनो तो कामे आई, दशरथ जी के को पुत्र है नहीं बोलोगे चार, मरे के बेरिया के बेटा के हाथ से पानी पौल है। अबे बतौली हम ई बेटा नकली माई नकली बाप नकली केहू केहू के बान आई रे दादा। दशरथ जी के चार पुत्र हैं और मरते समय दशरथ जी ने पानी पाया, दो बेटा ममहर में बड़े और दो बेटा 14 वर्ष के लिए तपस्वी के भेष में। दशरथ जी राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुर मर गई ले। व्यक्ति के जीवन में एक बात सोच ले आप सभी लोग जान लो, एमे केहू ऐसा नहीं बा जे कोई दे बाबा हमरा मरे के ना बा। केवल अपना दिन भर में 3 बार मौत याद करो, सुबेरे उठा तो बुझ ल कि मरे के बा सोच ल, दोपहरिया में सोच ल मरे के बा, सांझियों के सुते बेर सोच ल मरे के बा, वो व्यक्ति से गलती नहीं होगा। गलत करने वाले का गलत होता है कि नहीं? नहीं होता है। खेते में जे गन्ना बोले बा मकई तुराई हो तुराई आ आमे के पेड़ लागल बा तो कटहर लटकी, आलू जे रोपलर लो में से बंडा कोड़ाई, गौआ में जे जे हुरकंडो मचौले बा केकर छेका ल केकर जोति ल केकर तूर द केकर पणोहा बन कर द केकर नाला बन कर ल केवने के रास्ता बन कर द, बुझत नहीं बा हम बर्बाद हो खो। बुरा का फल बुरा होता है कि अच्छा? नहीं बोलोगे? बुरा का फल बुरा होता है। दशरथ जी ने भी गलत किया था, के मरले रहले सरवण के मरले रहले, सरवण के माई बाप श्राप दे रहले कि दशरथ जौना तर से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरतनी, तो के श्राप देतनी तू पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाइब। दशरथ जी मर गए के पानी ना दीहल, इतनी पड़ता है बाबू बेटा से बापे से बोल चल ना बा, आ जहिया बाप मुआ बम्बई से आके हत घंटा बांधता रोरे यहाँ घंटा बन्हा लगना बिना बन्हा लगना सिंह साहब के हत गगरी बना हला और घेगा गलगलावे लड़ गुहे फोरे लाल। भरत जी एगो गीत गौले बने एक लाइन बजा लो आरे जियते न बात पूछे जियते न बात पूछे कौनो रे परानी अमुते दिया तबा पिपरो के पानी दिया तबा पीपर वो के पानी बोते दिया तबा पीपर वो के पानी बोते दिया तबा पीपर वो के
पाकिट में दाम तबले सौ को संहाती कुल परिवार ही तो मित बेटा नाती कुल परिवार ही तो मित बेटा नाते कुल परिवार ही तो मित बेटा नाते। बड़ी बारीकी से लाइन के सुना जबले लगे रुपया बा मास्टर रहला चाहे डॉक्टर रहला चाहे कौनो नौकरी कोयलरी कमैला तब तबले पतोहियो अच्छो अच्छो बेटो अच्छो अच्छो आ जब रुपया खत्म हो गई वह मेहरारू बोलती है बुझाता जहर है उबिलाता पतोही अलग टेढ़ बोला दिया पेंशनो मिलता तो जाके बेटा निकाल लेता। पाकिट में दाम तबले सौ गो संहाती हो सौ गो संहाती कुल परिवार हित मित बेटा नाती कुल परिवार हित मित बेटा नाती कुल परिवार हित मित बेटा नाती। मेहरी मरद के जाने जबले बा जवानी मुते दिया तुबा पिपरवो के शंभू जी के तरफ से देखी तंताली भी ज्यादा बढ़िया रे सौ रुपया में हरी मरद के जाने जब ले बा जवानी अमुते दिया तब पिपरों के बात पूछे कौनो रे परानी अमुते दिया ता पिपरो के समाज के ऊपर लिहाज के लिए खाली पानी दिया था जोन बेटा कबो ना कल से पापा ही पानी पी लो भाई फ्रिज में का पानी एक गिलास पी लो भाई चाय ले बने पी लो दूध भाई गिलास पी लो कबो माई के नाई कल समाई रे तोर मन काहे मधिम बा चल बढ़िया लुगा एगो कीन दी भाई तन चौन परास एगो खा ले भाई दवाई खा ले माई के क्यों पूछा था। अब ये टोला पर जौन होता तो उनका भीतर है बुझते हैं बालो बूढ़ा लो और वीरेंद्र बाबा कितना बड़ा ही कर है। अच्छा तो जौन बूढ़ी सांसत में बाव ओकर पतोहिया कहियो ये लाइन में होई कि ना नहीं होई एगो बूढ़ी मरल तो पतोहिया खपड़ा में खाए के दे खपड़वे में पानी दे ले आते जब बुढ़िया मर गल ले आते फेंक के ओकर लइकवा कल से अम्मा काहे फेंका ताड़े आ तो तोरिया मर गली तो फेंक ना दी रे तो नतिया कलश काहे फेंका ताड़े। अरे मान ले जब ले रहल या तब ले ते देत रहले अपने अम्मा जी के हमरो जहिया मेहरारू आई ना वही खपड़ावा में तो के परोसी पतोहा के उबाग ना भीतर बुझ लिए हो घर घर बैठ के सुना तालुक सुन ली हो वीरेंद्र बाबा आयल बना तो यह दशा हो जे जे बुढ़ियन के सतावा ता जे जे कुल कुल करा ता अरे का कहीं हो दादा बड़ी विपत बा जीते ना बात पूछे कौनो रे परानी अब मुते दिया ता पिपरो के दशरथ जी मर गईला के बाद के जरावे वाला ना बा के उलास फूके वाला ना बा गुरु वशिष्ठ जी दू गो दूत भेजल जाके पहले भरत के बुला ले लोगन भरत के बुला ले अब भरत आगे अपना पिता के लाश जरावे दाह संस्कार करें। भरत जी के लग जब दू गो दूत जाए लगले
तो वशिष्ठ जी कहले मत बताइया, ई मत बताइया कि तोहर पिताजी मरल बड़े, लेकिन जो भाव बा, अरे के करा हीरो वाले, अरे नदिया बढ़िया आईली, आ के करा हीरो वाले तालाब हो, के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले, आके हीरो वेला बर हो मास, ए के रोवाले नदिया बढ़िया आईली, आ बाबूजी के रोवाले तालाब हो, माई के रोवाले नदिया बढ़िया आईली, बाबूजी के रोवाले तालाब हो, अरे भैया के रोवाले धोती के खूंट भी जले, भैया के रोवले धोती के खूंट भी जले, अब बहिना रोवेली पर हो, के रोवले धोती के खूंट भिजले, बहिना रोवेली बरहो मास हो। एक बात बताइएगा, मैं सूत्र बोल रहा हूं, नारियों के जीवन में कभी शांति है, नारियों के जीवन में कभी शांति नहीं है, नैहर बात तबो भौजाई के टहल करे, माई के टहल करे, बापे के टहल करे, और ना करे तो फजते हो, ससुरा में जाती है तो मर्दे के टहल करे, देवरे के टहल करे, सासू के टहल करे, कबो बिना खैले सूत जाती है, कबो उपास करती है, नारियों को कभी सुख है। लेकिन एक बात जान ले, यहां जितने मर्द बैठे हैं, हमनी के केहू के नाई लिखल बागी हेमंत देव, हेमंत देव, प्रमोद देव, राजन देव, सुभग देव, सुदामा देव, एमे जितना लोग बा केहू देव ना हो, ये लोग का लिखल बा मंजू देवी, गुड़िया देवी, कुसुम देवी, अनारी देवी, जिलेबा देवी, रुमाली देवी, हुमेला देवी, सब देवी है, सब देविया है, ये लोग के सामने देवी बा। अच्छा एक बात बताई, कौनो घर होक है इतनी पर मर्दे के मलिका ही चलता कि मेहरारू के, नहीं बोलो ईमानदारी से बोलिएगा, बेटी के दाह कबो पतो ही पूरा दी कहो, ये जे पतो ही पर अगर आइल बाबू का कहता नहीं, बेटी जन कह दी तो पतो ही कोरी कोरी, अबे गावना समय गोइल बा, ससुरे गोइल बा, अब माई के तबीयत खराब हो जा, तुरंत फोन जा बहनी हम बीमार बनी अस्पताल में, वो बेटी तुरंत आ जाएगी ना, ना जाई, आई है फोन बेटा के लग बंबई जा तो आई तुरंत है, कोई रूप फैक्ट्री में छुट्टी देखी मिले ला कि नहीं मिले ला, दवाई वही कराओ कुल आ जाइ भी, वही लगले माई उफर पड़ल तबो ना आई, बेटी के दाह कबो पतो ही या बेटा पुरई है, कथा इतना जोरदार बा खाली सुनी, इजोनी घरे कथावा होता हम सजी स्टोरी तो हम ना ही बोल पाए, लेकिन एके जरूर जान ली, अगर अच्छा लोग बात है अच्छा होता, अच्छा नहीं रही तो ना ही हुई ना, कतई भगवान की कथा तो नहीं हुई, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, कोनो का ड्रामा नाच आ जाए, जे जे आइए, बड़ी भाव से आप लोगों का आदर है, नमो सिपाही लाल कुशवाहा तन तालिब जादी नहु के नाम पर।
हेजू जे बैठल बा कथा में ठाकुर जी देले बनाओ करा दिहले में संकोच ना लागी। 100 रुपया से बहुत बड़ा तकदीर बन रहा है, 100 रुपया बहुत बड़ा चीज हो जाता। कुछ लोग तो ऐसा बना 3 घंटा कथा सुनी है और धोती झाड़ के है कगरी पर निकल जाए। कहना बा बिंदु तू तो बैठिए, चल यो बिंदु बेटी है, अपने पतोहिन के नाम ना ही आए, दूगो पतोहियो बाड़ी और दूगो बेटो बाड़े, यो लोग का नाम ना ही आए। एगो गीत गौली है, एगो पापा के चलते घरवा अनहार लागेला, ए बेटा लोग के दिल पसीजल ना ही है। ए मर गए तो का भल मरी ना गए, दर्द से भरी बात है हमारी, ये रुपया के लिए बात नहीं है। हमारे पास ये लोग गए थे पैसा के बात आई, सब हमको बुला भी नहीं पाते हैं ना, सब नहीं बुला पाएंगे। बाबा के पास इतना लंबा आइटम खर्च हो गया है ना, अब एक एक दिन एक दिन का प्रोग्राम का 50,000 रुपया आ जा रहा है खर्चा, तो देने वाला होगा तब ना बुलाएगा, साधारण प्रोग्राम थोड़ा ना है। एक शब्द का मेरा कई करोड़ कीमत है, एक शब्द का, और शब्द पर ही हम चलने वाले हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी सुंदर भाव है महाराज, ए जगह पर कथा आइल बा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ना ये राजा रहा ना ये रानी रही, राजा रहा ना ये रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। ना ये राजा रहा ना ये रानी रही, ना ये राजा रहा ना ये रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। तेरे संग में ना ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, महले पड़े के पड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। तेरे संग में ना ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो वीरेंद्र बाबा पूरा ऑल इंडिया जो तले बड़े, हम जो जाए तो ये हमारे साथ क्यों जाए, कहो जाई के हो, अकेले कफन लपेटल जाई,
उहे कफन हमऊ के लपटाई आ उहे कफन जो रोडे पर भीख मांगता ओहू के कफन दूगो होला की एगो एक वही कफन राजा के वहां जाएगा और वही कफन भिखारी के वहां रेशमी कपड़ा का कफन नहीं बनाया जाता है। ए हर जगह पाकिट बनेला, थैली में पाकिट, जेब में पाकिट, ब्लाउज में पाकिट, पेटीकोट में पाकिट, कुर्ता में पाकिट, धोती में पाकिट। ईमानदारी से बोलिएगा, कफन में भी पाकिट कहीं सिया ला कहो जैया सिंह साहब मुअल हो तो दस दस करोड़ दस को खोसा गए हो खोसाइल हो वो डोम ले ले लो यहाँ सब छूट गए सब सारा छोड़कर जाना है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो सच्चे दरबार की कथा तो अब आई बा, तन ध्यान दे। ए जगह पर प्रवचन आई बा, भरत जी के बुलावे जाता है दू गो दूत। अब भरत जी के बुलावे गए तो भरत जी रात के बड़ा बारू बारू सपना देखे। भरत जी पूछले कहाँ आए बड़े लोग अरुरा अयोध्या चली, गुरु वशिष्ठ जी बोलोले। भरत जी कहले पिताजी कहाँ बड़े गी, वशिष्ठ जी बोलोले। कहले आप चली। आप भरत जब शत्रुघ्न के लेके चले ले, तो के कई आरती लेके खड़ा बड़ी की भरत के आरती उतारब। नारी जीवन के पहला स्थान पति का है कि पुत्र का, नहीं बोलेंगे। पहले मर्द है कि पुत्र, आप ध्यान से सुनिएगा। सिंदूर जेकरी मांग में ना कबो बेटा पर न ध दई हो ना। जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर है गौर से सुनना, कभी बेटा पर मत अगराना कि मेरा बेटा कमा रहा, मेरा ऐसा वैसा वैसा। अरे बेटा तो जौन करता कछले आड़नाइबा होता था। धधई है तो मर्दे पर, मर्दे के चलते जौन मन कर साड़ी पहिर लो, मर्दे के चलते जौन मन कर खा लो, मर्दे के चलते जौन मन कर गहना बनवा लो, मर्दी के चलते जौन मन कर जहां मन कर घूम लो। बेटा तो ऊ करता ना बुझे वाला भीतर बुझते। हाँ बेटा कबले लायक बाज बोले बियाह नहीं भल बा तबले। आई तो कही माँ पैंट टांग दे, 200 रुपया बा ले लिए। ए माँ पैंटो में मूंगफली बा निकाल लिए। ए माँ दूगो सेव बाय में खा लिए। मौगी आओ के तबो थमाओ तड़े कही पंटवा धो दो, नहीं बुझाता हो। ए बेटा दुआरी पर रही है तो बाप कहिए आ गई लो, आ गई लो तो कहिए आ गई। आ माई बैठल बा तो कहिए बाबू गए ला कुछ खैला हा वा। बाप कहले आ गई लो। आ माई कहतिया कुछ खैला हा। आ पर्दा उठा के जब घर में गई ले तो मेहरारू कहतिया कितना कमाइला हो। कमाई के जो हेला माई की मेहरारू तो पतनो हो जाता है। तर निहुराव तड़ी सो तो निहुरा तालो कंध के उठाओ बैठाती है तो बैठा तड़े। रुपया कितनो कमा ले मलिका यही के बा, बटुआ में से निकाली तो तक थमाई तो तू कहीं देब नहीं। गलती बोलता नहीं कसिया बाजार करे पहले के जाला मेहरारू की मर्द। पहले वह निकली है घर में से दुकानी पर पहले अंगूरी के देखाई दुकान पर हाउ निकाला हाउ जैसे बुझाई कमा का धैले बड़ी। घर मर्दे के चलते केहू को बटाइल बा कजी हमारा टिप टिप के शब्द बा। केहू को मर्दे के चलते कौन घर बटाइल बा कहीं है खुरकुचनी में केहू बटाइल बा। हम महिला के चलते बुझे वाला तो भीतर बुझते बा, निमन कार होता बढ़िया बा हो खो। बोलो सच्चे दरबार की जय। भरत जी जब चलल बड़े अपना अयोध्या में तो के कई आरती लेके खड़ा बाड़ी भरत के आरती उतारब। आ जब नियरे गईले तो सारा अयोध्या के लोग मुड़ी फेरता। सब लोग यह कहता कि भरत खातिर के कई राम के जंगल में भेजने बड़ी। पहले दोष के कर आवता भरत के, भरत के आवता पहले भरत के दोष आवता। भरत खातिर के कई राम के जंगल में भेजले बड़ी। महतारी बदनाम के करे खातिर होली, बेटा खातिर होई, चाहे बड़का खातिर होके चाहे छोटका खातिर। केहू खातिर तो बदनाम होके बा, माई कबो बेटा खातिर बदनाम होई।
भरत जब अयोध्या में गई तो केकई अपना महल में रूम में ले गई, कहली भरत हमरा नैहर के समाचार बतावा कैसन बा। केकई कहली अगर तनिको उठपटांग बात आई तो खतरे बा, चूंकि दशरथ जी मरल बड़े आ राम जंगल में गए तो खतरा बा कि ना बा, तू पुत्रो हो कि ना हो। भरत जी कहले माता श्री तरी नैहर के समाचार बढ़िया बा, अयोध्या के समाचार। के कई कली भरत अयोध्या के भी समाचार बगड़त रहल, उ त मंथरा ऐसा रहल कि हमार दिमाग बदल कहले का भइल बा, आ तो सजी ठीक बा तोहर पिताजी मर गए बड़े, पिताजी मर गए। आ पिताजी के मृत्यु जब भरत सुनले कहले पिताजी बीमार तो रहल ना कम मर गए कैसे। के कई कली भरत तोरा पिता के लग दूगो वरदान रहल, आई दूरू वरदान आज मांग ले बनी तो के 14 बरस तपस्वी के भेष में हे तो के राजगद्दी मांगले बनी अयोध्या के राजा बन गई ल, आ राम के 14 बरस के लिए तपस्वी के भेष में जंगल में भेले बनी। भरत जी जब सुनले राम जंगल में पिताजी के मृत तो जमीनिया पर गिर के पहले 1 घंटा तो छाती पिटल, आ तब उठ के कहले कि बताव वरदान मांगे के टाइम में तोहरी मुंह में कीड़ा काहे न पड़ गई, पेटवे में जहर दे के मुआ काहे न देहले, बाझिनी तो के भगवान काहे न बनौले कुलक्षिणी कही के। जब हेतना गाड़ी उल्टा पुल्टा बोले रहले वशिष्ठ जी बगलिये में खड़ा रहले कहले हे भरत अपना माई के हाथ मत धरिय, ऐसा कुछ मत बोलो, तर माई में का गलती बा। भरत जी कहले कहे राम भैया के जंगल में भेज दिली, आ पिताजी के मृत्यु हो गल गलती ना बा, ये जो ध्यान में बच का गई। वशिष्ठ जी कहले तारा माई के 1% गलती ना बा, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कोगो चीज अपने हाथ के ना हो, कहिया ले जियल जाई कम मरल जाई केकरे हाथ में बा, भगवान के, कब हानि होगा कब लाभ केकरी हाथ में, परमात्मा के हाथ में, और जस अपजस कब होगा ये भगवान की हाथ में। इतनी पर कथा में इतना लोग बैठल बा, एकर गारंटी कबो न ले कि हम जइया बुढ़ौती आई तहिया मर, ये आशा कैल कर कि आज राति के मर के बा बिहने मर, साते गो दिनवा में जाए के बा, अतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार सब वार रहे हो, कब वार तोहरा ऊपर हो जा, सगरी वार हो, रविवार मंगलवार सोमवार सब वार वार में चल रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं कि व्यक्ति कब जाएगा। देखिए आदमी के वीरेंद्र बाबा कथा में आज रहुआ के हम एकदम उतार देव कि बाबा आज का कहली हो, अयोध्या कांड बोलतनी। भरत जी कहले तब का करी, वशिष्ठ जी कहले कि पहले चल के अपना पिता के लाश उठाव, बांस कटवाव, टिकठी बनवाव, और टिकठी बना के अपना पिता के लाश लेके चल। कहले कहाँ चली, कहले अयोध्या में राजघाट पर चल के पिताजी के दाह संस्कार कर, पिताजी के दाह संस्कार चल के कर। लेकिन बाबू बड़ा गजब के बात बा, अजय बताई बेटा के कान्हे पर बापे के लाश जाता तो खुशी हो कि ना, नहीं हो, नहीं हो। बेटा के कान्हे पर हेमंत के कान्हे पर सिंह साहब के लाश गोइल हो तो ये अच्छा बा कि ना बा, नहीं बा। अब पुरनिया बापे के कान्हे पर जवान बेटा के लाश किया जाता ये अच्छा है, अच्छा है। भगवान से निवेदन करे चाहेंगे भगवान ऐसा कबो न करी हो, आंखी से कबो न देखिए कि कोनो पुरनिया बाप अपनी बेटा के लाश लेके कान्हे पर जाता, ऐसा होता कि ना होता, नहीं क्या होता 90%, 90%, 10% केवल बाकी है। जवान बेटा के लाश ही अपन बाप लेके जाता का तो ससुरारी मोटरसाइकिल पावलस लेके गोल टर्क में पेश दिया लो, इतने पर ढेर महत्वा कैसे होता कहो, बुखारे से हाँ, पेट गड़ले से होता, शुगर से होता, बुझे वाला सब बुझते, पैसे पैसे में जाता लो। कारण का कि माता पिता को कोई मानता नहीं है, अपने के बड़ों का आदर नहीं कोई करता है,
कोनो लड़का जौन लड़का माई बाप के गोड़ लाग के जाता, माई बाप के प्रणाम को के जाता, माई रे जाता नहीं हमका रामपुर चाहे कसैया आराम से गोयल कुछ कीने के बाद कीन के लेके आई, उस लड़का का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और जौन लड़का कहता जाता नहीं चौराहा पर, चौराहा पर जाता नहीं मंगलपुर, आ चौराहा पर गोयल निकोर गोयल ए निकोर गल देवारिया, और उन्हें से आवा ठोका गल बा फोन आयल दादा तोर बेटा एक्सीडेंट हो गल। माई बाप का मल्ल सर जब ना मानी तो गड़बड़ होगी ना हुई। माता पिता को मानने वाले लड़के का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, माता पिता का सम्मान करने वाले भगवान का आदर करने वाले का कभी एक्सीडेंट। बड़ी भाव से कथा को सुनो। वशिष्ठ जी कहले बांस कटवा, बांस कटा गई टिकट्ठी बन गई, ए टिकट्ठी बनल कफन मंगावल गई, आ दशरथ जी के कफन पर लपेट के वही टिकट्ठी पर लेके भरत चलल बड़े। आप रविंद्र जैन जी की आवाज है और रामानंद सागर जी जो रामायण लिखे हैं ना रचे हैं, टेलीविजन में टीवी पर देखें कि नहीं देखें रामायण, उसी का छंद हम बता रहे हैं। जब लाश लेके चलल बने तो रामायण में ही गौले बड़े कि बालेपन में पिता पुत्र को अरे ले काने दुलरावे हो, ये दोनों बेटन के पिताजी दुलार कैले हुई है कि ना ना कैले हुई है, कितनों रिसिया बाप हो के आ बेटा कान्हे पर टट्टी कह दे तो मरी है तुरंत हंसल गए पर टट्टी कह दिल पर देखा का कह दिया। ये दुलार है आज उन्हीं का पूर्ण प्रताप है, लोग आगे हैं, अगर उनका प्रताप न रहे तो बेटा कभी आगे बढ़ेगा नहीं महाराज, वो तो रसातल को चल जाएगा। माई बाप के आशीर्वाद मनाओ चाहिए कि बालेपन में पिता पुत्र को अरे ले कान्हे दुलरावे हो, उस दुलार का अंत समय में बेटा मोल चुकावे हो, माटी की यह काया माटी मरे घट पे जल जावे हो, माटी की यह काया माटी मरे घट पे जल जावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के मुंह पर आग लगावे हो। बापे के माई के जरावे खतर के जरावेला के गांव के लोग अगिया धरावे खतर तो बटल मर तो का लुगा लेके पांच फेरा घूमा थे, राम नाम सत्य है राम नाम मुहे पर धारा दे ले। जो ने देही से इतना प्यार भइल बाबू देही के फूकल जाता, हमने के सब जने जन टिकठी पर चढ़ल जाए, कच्चा बांस कटाई हमने के सबका चढ़े के बाद वो घर से जनाजा है जब निकली ना घर से जब लाश जाला तो यह बुझाला का जाता है। हम बार बार कहिले कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, जितना आज कर्म कांड भइल स्वार्थ हो, अब परमारथ कौन हो, जबले बुढ़ऊ जियल है आदर भइल हो, सम्मान भइल हो, इज्जत भइल हो, दोनों पतो चाय थमाओ तरी बाबा पी ली, आई खाना रुआ खा ली, तनि कपार पर ले आई तेल धो दी, तनि गुड़वा चाँत दी, एक एक कहल जाला परमारथ। समाज के देखावे खातिर होला ना हो,
इतना लोग खोइला हो, इतना लोग खोइला हो, कूड़ा का कूड़ा दही उरागल, चूरा उरागल, पूड़ी उरागल, कुछ भेटाए बहन के हई भेटाई। ये जो हो रहा है ना, ये प्राप्त होगा इस परिवार के लोगों को, और जो मरे हैं पिताजी ना, उनको भी बड़ा सुंदर आत्मा से मनुष्य का जीवन मिलेगा। अच्छा ये बताई, कहीं रामायण में इहो लिखल बा कि बड़े भाग गदहा तनपावा, चाहे बड़े भाग सुअर तनपावा, चाहे बड़े भाग हाथी तनपावा, का लिखल बा? बड़े भाग गधा तनपावा, देहिया बड़ा भाग से मिलल बा। अब सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, आ खोता छोड़ के जाए के परी, जाना है। वीरेंद्र बाबा इतना गाल है, इतना बजा लें, इतना बोल दें, लेकिन एक न एक दिन हमको उस टिकटी पर चढ़ना है। कौन है डोली पर, जो ने डोली के चार गो कहां उठावे ले, ए चार गो, चार गो कहां उठाई है, और मैं गीत गाना ना ही होला, राम नाम सत्य है। अच्छा यह कार कोनो लड़का का परछावन होत रहे, जैसे हमने के कहल जाता राम नाम सत्य है, सभी जानता राम नाम सत्य है, और कोनो दूल्हा का परछावन होता जो जाके कहल जा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो पिटा जे है कि ना, ना पिटे है, नहीं मार खा जी है, वो राम नाम सत्य वाला जगह है। आप भी जानते हो राम नाम सत्य है, हम भी जानते हैं, लेकिन एक जगह की चीज नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पर आए हैं जो काम है वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, अब दूसरा बोल रहे हैं, कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं, हम दूसरा नहीं बोल रहे हैं, जिस मैटर पर आए हैं, जो चीज होना चाहिए मैं उसे बता रहा हूं। लाश जरवला के बाद सजी कजिया में सब कर्म कांड भई, दशरथ जी के घंटा बनाए, ले घंटा बनाए, भरत जी तीर थमले, तीर थमले, सारा जितना व्यवस्था बा कैले, ब्राह्मण लोग के दान दक्षिणा दे के अपना पिताजी के ब्रह्मभोज काम कैला के बाद सब सेवा समाप्त, भरत जी कहले बा जो ध्यान ना रहो, वशिष्ठ जी कहले काहे, भरत जी कहले जो ध्यान ना रहे, कहले काहे, कहले जहां लिखल बा कि जहां संत तहां तीर्थ बासु, और जहां राम तहां यवध निवासु, जौने जगह पर संत है, जौनी जगह पर अयोध्या, अयोध्या में रामे जी ना बना तई अयोध्या रह गई। वशिष्ठ जी कहले भरत का करब, भरत कहले हम भैया राम से मिले जाए, राम से मिले जाए। सावन के महीना चलता एक लाइन कि भरत मनाने चले रघुरैया संघ सब मैया ए राम, कि भरत मनाने चले रघुरैया संघ सब मैया ए संघ सब मैया ए रामा, भरत बोल दी भरत लाल महाराज की। कथा में दम में आगल तनी गौर कर, भरत जी जब सेना लेके चले लगला सारा अयोध्या के लोग, तो कौशल्या कली की भरत तारा साथे हम चल, भरत जी कले माता श्री प्रेम से चल, सुमित्रा कली भरत तारा साथे हम चल, कहले तह चल, के कई कली भरत तारा साथे हम चल। भरत जी कले एक बात फिर बात न बोलिय, तू अयोध्या के महारानी हो, सारा अयोध्या के राजपाट ले लो। अच्छा ये इतना बड़ा बिल्डिंग बा, इतना बड़ा घर बा,
आ केहू से केहू के तालमेल न रहे, दुइये भाई बालो और दू गो पतो ही बाड़ी, आ केहू से केहू के तालमेल न रहे, ते घर में रहे के मन करी करी मन 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 करी। अच्छा तो जन खुरचनिया टोला बा पूरा टोला के बात बताओ तनी, पूरा गांव एक जन के दिया जा आ पूरा गांव ला खेदा जा, तो पूरा गांव लेके अकेले उ जी है कि मुई है, बोलो क्यों ना जानता, तुरंत मुई है। अपने नजर से किसी को बुरा ना बनाओ, तारा घर के बगल में क्योंकि तीन मंजिला बनता ना तो मनाव हे दुर्गा जी इनके बनता तुम्हारो कहियो बनी, इनका टट्टर लिया हमारो कबोली आई, इनका बेटा विदेश कमाता हमारो कहियो कमाई, इनका खेत रोडे पर लिया गल जमीन चौराहा पर हमारो कहियो लिया आई। जब निम्न सोचल जाई तो तोहरो निम्न होई, लेकिन आजकल का होता कैसे हमारे करेजा पर इनका बिल्डिंग बनाता, कौन उपाय करेगी बिल्डिंग रुक जा, कैसे इनका खेत पहले जोता गई, कैसे इनका गन्ना बरियार बा, कैसे इनका धान बरियार बा, कैसे इनका बेटा कमाता, कैसे निमने खाता लो, आज सोची है बागना बा। पचास घर का टोला बना, पचास खोल का लोग होई, चुनाव जो को जन लड़े ले, एक आध दू जन लड़े ला कि ना, केहू नहीं लड़े ला, अब बूढ़ा मुड़ी ला तो केहू नहीं लड़े ला, केहू लड़बे नहीं करे ला, हर मंडल मचा के धरा जाता केहू लड़ते नहीं है, घर घर लड़ा लोग हाँ, पचास घर बा पचास टिकट लो, आपसी मिलान होना चाहिए, पचास को घर बा सबके घर के लोगों को यहाँ आना चाहिए, सबका कार्यक्रम है, ए हेमंत का कार्यक्रम थोड़ो ना है, हम सभी लोगों का कार्यक्रम है, इसमें बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। जब भरत चले लगे तो केकई कली हम चल, कले तू अयोध्या के महारानी हो तो के उपदेश ना दे ना, अरे अपने तो अपने विधवा बन लू, तीन जनी के विधवा करू ना, राम के वनवास भैला के बाद दशरथ जी मर गए, कौ जनी के सिंदूर हट गई, कौशल्या कई कई सुमित्रा, आपन आपन बिगड़ा था दूसरे के बिगड़ने के चक्कर में ना रहो, बनाने के चक्कर में रहो, अगर दूसरे का बनाओगे तो आपका भी बनेगा, अगर दूसरे का बिगाड़ोगे तो अपना भी तो बिगड़ना ही है महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। एगो गांव पर आग लागल है तो किया हमरे ओर, आग लागल है पूरा गांव के लोग आग बुतावा था, एगो चिड़ई ठोड़े में पानी भर है, आ कुटी पर जाके ठोड़ में पानी ले के ओथी पर गिरावे आगी में, साधु बाबा रहले कले रे अरे चिड़िया गौरैया चिड़िया रहल कहले ठोड़े ठोड़े पानी गिराओ तोरे तोरे पानी से आग बूती बूती रे, चिड़ई कहले से बाबा आग हमसे ना बूती हमरा मालूम बा, लेकिन जहिया कहानी लिखाई ना तहिया आग लगावे वाला में ना आग बुतावे वाला में हमार नाम आई, आग बुताने वाले में बुताने वाला बनना चाहिए कि लगाने वाला, ये गांव प्रतनान के लगा वाला बा, भीतर बुझे वाला बुझते बा हो दादा हैं, आग बुताने वाला बनो आप लगाने वाला नहीं। भरत जी कहे तू अयोध्या के महारानी हो रह, हम जे के लेके जाए के बाद तोहरा मन करे तो चल आई तर राजगद्दी तोहर बैठले बा, लेकिन भरत जब चले लगले सारा लोग के लेके चले लगले अयोध्या के, सब सारा देवता लोग खलबला गए, सारा देवता खलबला गए, सारा देवता लोग में अगुआ बन गए इंद्र भगवान, बोलो इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान अगुआ बन के आ सगरी देवता लोग के गईले लेके इंद्र के रहे बृहस्पति के दरवाजा पर, सगरी देवता लोग के गुरु के हाँ तो बृहस्पति महाराज, आ सारा राक्षसन के गुरु के हाँ तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज लेके गईले,
बृहस्पति जी कहले इंद्र कहाँ आइल बड़ आई सगरी लोग कहले के कहाँ आइल बड़ कहले राम के बियाह भल ठीक बा राम के जन्म भल ठीक बा राम के वनवास भल ठीक बा अब अन्याय होके जाता भरत जातन राम के मनावे ऐसा उपाय करेगी भाई भाई में भेंट न हो बात निमन बाकी बाउर भाई भाई में पटरी रहल निक बाकी दुश्मनी अच्छा तो ये टोला के लोग साफ बोली ईमानदारी से हाथ उठाना है एमे के चाहेला भाई से हमरा झगड़ा ना होके तर हथवा उठाइएगा दू चार जने अब हम बोल तर के चाहता मर्डर हो उठावा तो बरिया रे तालबिया बरिया रे आए बाबा पछवा के बैठल बा नहीं पटरी बा का भाई से छोटहन टोलवे भरबार नगदा रंगदार बाहू बाप हो बाप और तीन गो बूढ़ पछवा बैठल बे नहीं उठल हम ही कहलिए के चाहता कि भाई से कबो खटपट न होगा उठावा हाथ बरिया रे फिर ताली बजा बरिया रे हो गोल बतावे के चाहे लगी देवरान जेठान में कबो झगड़ा ना होगा तन उठाई बोलोगा तू नहीं उठेबू नहीं पटरी बा कहो घर में मर्डर हो के कहो कि कबो नहीं मनाना चाहिए कि मेरे घर में झगड़ा हो झगड़ा अच्छा चीज है कि बुरा नहीं बोलोगे झगड़ा बहुत बुरा चीज है झगड़ा आपका पूरा लाइफ खराब कर देगा महाराज किसी से झगड़ा के चक्कर में मत रहना किसी से झगड़ा नहीं प्रेम मोहब्बत से जियो जोई दिन जी एक बार निम्न रह आदर से बोलो अच्छा अच्छा का हाल चाल बा यमा जी का हाल चाल बा ए दीदी कैसे बानी घर के हाल चाल का बा चाय नाश्ता भइल प्रेम से बोलने में का लगा था हमरा तो देखे के ही मिले ला चारिये को घर बा चारो हे पड़ा मुंह बा ना उनके और तकिया ना उनके और ना ओजू उनका लगू खड़ा हुई ना उनका लगू अब का जने एजू के तरह बनता है दादा बुझे वाला तो बुझते है भरत जी चल ले अब भरत जी जब चलल बड़े तो पहले जंगल के रहे वाला कोल भील मिल ले जंगल के रहे वाला कोल भील मिल ले दोहावली में छंद बाबा लिखले कि जब भीड़ मिले बनवासिन के पूछते पूछते चलले रहिया कवनी रहिया गईले भैया कवनी ठैया रहले भैया संघवा संघवा लक्ष्मण भैया संघवा रहली सीता मैया भरत जी कहले कि भैया राम आई लल कोल भील कहले सरकार यह पत्ता बिछाल बा सुतल लली भरत जी कहले कहाँ गए सब आ तह मार्ग धो के गए सब भरत जी कहले बतावा भैया हमार नाम को बोलिए ले कि ना यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं गौर करिएगा हमनी के केकर नाम जप के जिए जला राम जी के आ राम जी 14 बरस केकर नाम जपले बड़े भरत ऐसन भाई के नाम जग जपे राम राम जपे जे ही आ भरत सरी से के राम सनेही भरत सरी से के जग जपे राम राम जप जे ही आ भरत सरी से के राम संसार के लोग राम के नाम जपेला लेकिन राम जी भरत जी के नाम जपत अड़े पूछल लोग केने गईले हा भरत चले केने गईले राम जी तो लोग बतौले कोल भील सरकार है आई पत्ता भाई है यही पड़े राम जी गईली हम आई बिछावल बा काटा कुसे पड़े भरत जी जमीनिया पर गिर के मुड़िया पटक के रोवे लगले कहले के कई आज तोहरे चलते भैया हमार दर दर के ठोकर खाता रहे बहुत पहले हम गीत गावत रहे हम अंजन जी के लिखल गीत है अंजन जी की लिखी गीत है
भाई के प्रेम में ही दो लाइन हम सुना दिए आपके कि जब जब याद आई, भले घर बटा गल बा, खेत बटा गल बा, रुपया बटा गल बा, लेकिन जहिया एक साथे रहली जा, अगर वो बात याद आई ना तब बजल के करे जा हो तब वो आंख में आंसू आ जाई। कि जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई आंगना दुआर तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली, भैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली, सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ होई है नेक, सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ होई है नेक, मैया बाबूजी के सेवल नैया एक साथ के खेवल, मैया बाबूजी के रही एक अंगना दू दू गो दुआर तोहरा, जब जब याद आई जौना रास्ता से गइल बानी वही पड़े भरत जी जाता रहे अब। लेकिन भरत जी जब चलने तो निषाद राजगुह के मालूम हो गए, निषाद राजगुह सगरी मलाहन से कहलत कि नाव डुबा दसो, एगो परिवार उबा ए जौने परिवार में तीन गो घर बटाइल बना, केहू घरे कुछ बनता सभे ले ले खाता, तन लड़का उनके खाना में से ले लो, तन उनके में से ये प्रेम मोहब्बत हो, एगो ऊ घर बा कि ये घरे पनीर बनल बा, ये घरे चटनी पिसाइल बा, लड़का रोवा तन हमऊ पनीर खाई, लेकिन ओकरा और ताकत नहीं बा कि एक पनीर दे दे, ये घर हो एक घर कहबा लोग, बच्चों से क्या दुश्मनी है, घर बटाइल बा तीन गो घर बा, केहू घरे बढ़िया बनल बा केहू घरे बाउर, ई कहे के चाहिए रोटी बनल बा दे तोर लइका स्कूले चल जा दे दे खिया दे, कहे के चाहिए रे रोटी हमरे घर नाही बा तन दलिए ले ली लौरा, तनी हेतना हेतना एमे में होत रही तो निक बा कि ना, आ साफे न उत्ता के न तू तू कहियो मशरूम बनावा कहियो पनीर बनावे, आ केहू घरे चोठा चकनी खाइल जाता तो ई बा कि ना कष्ट होता कि ना होता, नसीब अपना अपना। निषाद राजगुरु कल सगरी नाव डूबा दसो, आ जब आवा तड़े तो भरत के रहिए में मार दे, भरत ऐसन भाई के ऊपर निषाद राज आवार करे जाता, आ जब चलल सगरी नाव डूबवा के तो एगो पुरनिया मलाह रहे ओकरा छींक आयल कलश कहाँ जा तड़े, आ तो जा तनी भरत के मारे कहलत जनले है कि लड़े आओ तने कि मिले आओ तने भाई से मिले आओ तने कि लड़े, कहले का करी कहलस इहे करे के बा, इहे करे के बा तीन गो थाली सजा ले, एक थाली में फूल, एक थाली में शाकाहारी भोजन, एक थाली में मांस, अगर फूल उठाई है तब तो मान लिया झगड़ा करे ले आओ तने, और जौना में हथियार बा अगर भरत हथियार उठाने तो रहिए में मार दिए।
और निषाद का दू थाली सजा के कही। अच्छा बताई भरत जी कहीं लड़ाई कैले बड़े का हो कैले बड़े भरत जी कहीं बाण रामायण में चलौले बड़े मुड़ी न हिलाई एक जगह चलल बा नहीं क्या चल हा बोलल करे ही तरह के करे ऊपर चलल तो जनते बाड़ू हनुमान जी के मरले बिना फण के बाढ़ आ चरचरा के गिर गई है जहां लिखल बाकी ये तुलित बलधामम हेम शैला भदेहम दनुज बन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगणयम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति पी भक्तम दात जातम नमामी। हनुमान जी ऐसा बलवान के बिना फन के बाण मरले गिर गईले। आज वो भरत के मारे जाता निषाद राजगु निषाद राजगु जब गईले तो भरत के देखा था ना भरत रोवता होता अटप दे मुड़िया पटक के बाबू तुरंत दंडवत प्रणाम कैले कहले भरत जी हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई हमरा जानकारी नहीं हो पलो से गिरेउरा ये भाव में आओ तनी। भरत जी कहले भैया के परिचय बताइब कहले हाँ चित्रकूट में राम जी बड़े बनाए आयल बनी हम बड़े ही छाओ आयल बनी चित्रकूट में राम जी बड़े। भरत जी कहले ले चल तनी भैया से मिलाव केवट है निषाद राजगुह लेके गई ले आ बरगद के गाछ पर चढ़ के आ देखल आ जब देखल तो कहले एने देखी लीला बेजू बढ़ता उहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा सीता जी सपना देखली की भरत सेना लेके आओ तड़े तुलसी बाबा लिखल उहां राम रजनी ओ सा जानी सिय स्वपन एक देखा स्वपन यह निकन होई कठिन कुचा है सुनावही तो बोल दी भरत लाल महाराज की लक्ष्मण जब सुनले कि भरत सेना लेके आवत तड़े तो लक्ष्मण जी धनुष बाण तान ले ले आ कहले आज भरत के मार दे जो सहाय कर शंकर आई आ तोरण मारब राम दोहाई शंकर जी सहायता करे हमें तब भरत के मार दे। भाई भाई के प्रेम दर्शावत आनी पिता के मुहले के बाद अब देखी भाई में प्रेम का बा अभी धनुष बाण लेके तनले बड़े आज जब निषाद राजगुरु देखले तो कहले सरकार ओ लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके कूदा तने मारे खातिर अब भैया राम राव बैठ के रोता नहीं लेकिन भरत जी पहला चौपाई तुलसी बाबा लिखले पाही नाथ कही पाई गोसाई आ भूतल परउ लकुट की नाई। भरत को बताया गया है सब विधि भरत सराहन जोगु भरत जी सराहनीय जोग है महाराज अब भरत को साधु के उपाधि है साधु। बड़ी सुंदर कथा आज की है लास्ट लाइन चल रहा है कथा को सीरियल समझ लो आप अथवा जोर के प्रणाम कैले आ ज्यो प्रणाम कैले तो धनुष बाण लक्ष्मण जी फेंक दे हले फेर फेर भरत और तकले ना भरत जी कहले कि
पाही नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परु लकुट की नाई, मोरे शरण राम के पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। सारा दोष के खजाना हम बली, भैया हमके क्षमा कर दी। अब लक्ष्मण जी के ई बुझाइल की देखत नहीं राम जी तकबे ना करी। हे लक्ष्मण जी राम की गोड़े पर गिर के कले भैया कले हाँ कले एक बेर ताक दी और भरत प्रणाम करता है। भरत प्रणाम करता है ताक दी कहले कि ना हम ना ताको नमो तोहर वीरेंद्र सिंह देखी हमारे नाम इनका बा हमारा घरे गए ले लाई कार्यक्रम लेवे जही आई लोग ले ले तैयारी हो गई ले ले बड़ी आग्रह कहले पड़ीदारी तो हो लेकिन इनके खातिर ही मोरी मेटल है। हाँ कोई नहीं रोला चलक बा गोड़ पकड़ ले ले मुझे चलक कथा हुई बड़ी सुंदर भाव आयल बा कथा के लक्ष्मण जी राम जी के गोड़वा पकड़ कर रोवा तड़े आ गोड़वा पर गिर के कहले तुलसी बाबा लिखल है कहत सप्रेम नाई मई कहत सप्रेम नाई मई माथा अब भरत प्रणाम करत रघु। लक्ष्मण जी राम जी के गोड़वा पर गिर के कहत ने भैया एक बेर ताकली राउर भरत प्रणाम करता रहे। राम जी कहले हम ना ताकब कहले ना ताकब तो रुआ गोड़ पर गिर के हम मरे चलतनी भाई खातिर भाई मरे ला कि ना ना मरे ला ना मरे ला अंजने जी गौले रहले अंजने के गावल एक लाइन एक दिन मात पिता की छाती से संसार जुड़ाई रे जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई एक दिन मात पिता की छाती से संसार जुड़ाई रे एक दिन भाई खातिर जान गवाई आपन भाई रे भाई खातिर रामचंद्र बनवास भाई के दिहले रनिवास गईले रामचंद्र बनवास भाई के दिहले रनिवास जाके दर दर ठोकर खैले बाकरी तनिको ना कुमिलैले जाके दर दर ठोकर खैले बाकरी तनिको ना कुमिलैले लखन के लागल शक्तिवान रोवे लगले श्री भगवान लखन के लागल शक्तिवान रोवे लगले श्री भगवान कहले जाई अयोध्या हम कैसे ई मुह देखलाई बिरे जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई एक दिन मात पिता के छाती से संसार जुड़ाई रे जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई
ए घर बटा जा, बटाइल बाउर ना हो, बटा जाओ, खाना अलगे बनो, खेत अलगे जोताओ, लेकिन हेकर बंटवारा कबो न होके वो पूछे भैया का हाल चाल बा, वो कहे बाबू कार कहाँ जाता, वो पूछे ये दीदी का होता, वो कहे बहना हमारे कार बा, बोल चाल अपने में तालमेल खराब न हो। हमनी घर सब बटाता, पहले तो ताले मेल खराब बा। कहो बड़की पतोही से कहल जाता तो कोई आता छोट को सामना ही बोले लूडो होनी हो जाए ना जना पंडित जी घरे कथा बाचे के बोलावे गैली हम कहलिए हमारा चल के कथावा बाचना दी तब तो उनका दुल्हन कह तड़िए रे हमारे घर ना आई कथवा बाचिले हो घर में बाचल बाबा अब कहाँ बाड़ा हो घर बा कहली कहाँ बाड़ा तो कहली हमसे बोल चाल हमारे घर से ना आई हो हमारे घर से बोल चाल ना आई हो तब ले वही कहले काई गुरु जी प्रणाम उन्हें महाराज कथा बाचे के बा अताई है हमारे दुआरे पर आई है सहने आई सुनाता बतिया ना इतने दूर पर देवाल लय हो दादा होने से होने खड़ा भाई हमको ये महाराज एक लगे सटल है दूगो नल बा अगानो में ही तर बा कहतने हेतने हेतने बटाइल बा पतरे पतरे निक लगा था है भाई भाई में देवाल कभी न चले। अच्छा एक बात बताइएगा ये में के चाहे लगी बाबा हमने के मिलजुल कर रहल जा तन हाथ उठाइएगा तो मिलजुल के तकला का अपनी बच्चा के दौड़ के जाके पकड़ दिया वही तरह भगवान राम भरत के पकड़ ले कि अपन रोवेला बछरुआ जैसे गैया दावे मैया धावे ले बोलो रे रामचंद्र की जय भगवान दौड़ के ली या भरत के कुवारी में पकड़ ले ली केहू घरे कोनो घटना भइल बा भले बोल चाल ना होके चाहे केहू बीमार होके चाहे केहू मरल होके ओकरा दुआरी पर जाके एक घंटा खड़ा हो जाई तो ओकर मनोबल बढ़ जाए कि ना कि फलाने भाई से बोल चलना ही बात तब हमारा घरे आई लला फलाने भाई से बोल चलना बात तब पूछे लगी पैसा उसा के ताक हो तो बताइह हमारा लायक सेवा हो तो बताइह वो आदमी गदगद हो जाएगी ना सुखी आदमी के पूछे चाहे कि दुखी के नहीं बोलोगे अरे भाई जो कष्ट में है उसको पूछो ना के घाई भइल बा चोट लगल बा बीमार बा अस्पताले में से लेके आवा था अब कुछ दुश्मन है तार बाड़ा अस्पताल में से कोनो मर्ज लेके आवा था अब देखी तो कही भैया पाव लगी का हाल चल बा तई का देखा ना लड़का भर्ती रहल अस्पताल में वह लेके आवा था नहीं तब वजू तक कहल जरे बाप रे बाप कैसन बीमारी के तरह का हो गए लेकिन होनिया जाई तो कही कि बड़ा तोपल लल है लड़का उफर पर इनके कहो इनिक बा इनी कह मुहे पर चिकन चिकन होने जाके गाड़ी दो ये अच्छी बात है अरे जो बोलना है सो मुंह पर बोलो ना और किसी की बुराई कभी ना सोचो आप न बुराई करो न बुराई सुनो और न बुराई का आदेश दो भाई ऐसा तो नियम वीरेंद्र बाबा तो कभी बोलेंगे अपनी वाली बोलेंगे चाहे जो आपकी इच्छा हो करिएगा कथा ये जगह पर आइल बा अखबारी में पकड़ के भरत के जब राम जी रोवे लगले राम जी पूछले की बतावा माई आई बा कि ना राम जी कौने माई के पूछले कौने माई के बोली कि ना ही बोली पूरा कहूंगा बहु कहो कौने माई के कई के पूछले सबसे ज्यादा प्रेम राम जी कौने माई से कर ले के कई से अच्छा ही के कई जोन बनवास भेजले बड़ी बिना राम के इच्छा पर चल गए राम के कई का कोई गलती नहीं है ये भगवान राम के इच्छा पर हुआ है ना बेटा का जो इच्छा हो जो बढ़िया फल मिले वो माता करेगी कि नहीं करेगी के कई का कोई दोष है
के कई को निंदनीय नहीं बंदनी कहिए, माई तो सब बन जाई लेकिन के कई सनमाई के बन पाई। के कई जब मिलली तो पहले दौड़ के जाके राम जी गोड़ लगले, के कई कहली राम तू खुश बाड़ा ना, कहले हाँ खुश बानी, कोनो बात के कष्ट, कहले कि राम राम ना हिमके तू भगवान बना दिहलू, हमार नीचे ऊपर सब बना दिहलू, हमके बन ना भेजलू, हम बन गईली माता श्री। अब के कई से राम जी पूछले तोहरा तोहार हाल चाल, के कई कली राम हमरा तो उतना दर्द बा केहू के दर्दे ना होई, तो के 14 बरस जंगल में भेली तो तुम आई कही के गोड़ लगल ह, प्रणाम कैला ह, समाचार पूछल ह, आ इनके राजगद्दी मंगल बनी तई के कई कही के बुलावे हमके माई ना कहले, भरत माई ना कहले। राम जी कहले चिंता मत कर माई कहवा दे। राम जी गमछा फैलौले आ भरत के सामने खड़ा होके कहले भैया भरत तो से कुछ मांगा तनी। भरत जी जान गए कि माई कहवावे आयल बड़े। भरत जी कहले रउरे न मांगी पहले हम मांगो। अयोध्या से आयल बनी कहले पहले तू ही मांग लो। भरत जी कहले सात को जीवन रउरा के दे दे लेकिन एक चीज रउरा दे दी के कई के माई कहे के मत कहो। राम जी कहले माई ना कहब, बेटा माई के माई ना कहे तो माई जी की मरी। कहले माई ना कहब, कहले ना, कहले अगर ओरिजिनल भाई है तो माई कहवाए। राम जी के कई के बोलो ने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं गौर करिएगा, हजारों के संख्या में कथा होती है लेकिन जितने लोग हैं हमको ऐसा लग रहा है कि 1,00,000 लोग बैठे हैं प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे। राम जी केकई के बोलोले आ केकई के कोरा में राम जी बैठ के, केकई के कोरा में राम जी बैठ के, राम के माई के नाम, राम की माई के नाम केकई, राम की महतारी के नाम कौशल्या, अब भरत के माई के नाम केकई, केकई के कोरा में राम जी बैठ के अब भरत के बुला के कले भैया भरत तो से कुछ मांगब ना, इतने बता दे हम केकई कोरा में बैठल बनी। चाची कह दी है, मौसी कह दी है, बड़की माई कही है, ओरिजिनल माई है। अरे जरा दर्द ना बुझा ना बुझा लेकिन जौन बेटा माई के पेटे से पैदा भइल बा पतोहिन के दर्द कम बुझाला। पतोहिन के चार घर के चार गो आयल बड़ी 4,00,000 के लेकिन चार गो बेटा तो माई के पेट में से आयल बा ना है। कहले केकरी कोरा में बैठल बानी जल्दी बोलो। भरत भरभर भरभर रोवे लगले, कहले चाची तो कहम ना, मौसी कहम ना, ओरिजिनल माई है। कहले काहेन बोल तड़ा केकरी कोरा में बैठल बानी। हथवा जोड़ के कहले प्रभु अगर आप हमसे पूछतनी तो रउरा माई के कोरा में तन ताली बजा दे बरिया। माई के कोरा में बैठल बानी जब माई कहले तक के कई अखबारी में पकड़ के बरबर बरबर रोए लगली। कहली भरत बेटा के बड़ा रुपया ना चाही, माई के पैसा ना चाही, कपड़ा ना चाही लेकिन बेटा एक बार प्रेम से कह दे माई खाना खोई ले चाय पिए ले उतने पर माई गदगद रहे ले। अब भरत जी राम जी से कहले कि रुआ जो ध्यान लौट चली। कहले ई कैसे जहां लिखल बाकी तापस बेस विशेष उदासी आ 14 बरस राम बन वासी। 14 बरस के लिए तपस्वी के भेष में हम आए हैं। अयोध्या चल चली भरत जी गुड़वा पकड़ के रोवे लगले कहल आरी लवटी चला हो भाई अवध के लवटी चलाए भाई अवध के लवटी चलाए भाई अवध के लवटी चलाए भाई। कहे भरत जी रामचंद्र से कहे भरत जी रामचंद्र से रो रो नीर बहाई लवटी चलाए भाई अवध के लवटी चलाए।
तोहरा के राज बन तोहरा के दिहली ना भल कैली माई राजपाट से काम न हमरा राजपाट से काम न हमरा तोहरो करबी सेवकाई अवध के लवटी चलाई भरत जी रामचंद्र से रो रो नीर बहाई अवध के लवटी चलाई कहे भरत जी रामचंद्र से रो रो नीर बहाई अवध के लवट चलाए अब तनी कथा के लाइन आखिरी लाइन चलाता भगवान कले भरत अयोध्या लवट के जातो आ तीनों रानी के तीनों माई के जब विधवा देखल वशिष्ठ जी बगलिए में खड़ा रहली राम जी फफक के रोए लगले कले गुरुदेव सब तो सब बा लेकिन तीनों माई के मांग में सिंदूर ना वशिष्ठ जी रो के कहले कि ये भरत तू बगली होकर हमके राम के बतावे द भरत जी साइड में खड़ा भइले आई रो के बतावे लगले का कि गुरु जी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दियले गुरु जी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दियले धीरे धीरे सगरी कहानियां कह दी हले कहते कहते राजा दशरथ के ए दशरथ जी के मरल हमरा राम जी जानत ना रहले लेकिन वशिष्ठ जी बतावत ना चित्रकूट में का कहते कहते राजा दशरथ के अरे मरनिया कह दी हले धीरे धीरे सगरी कहानियां कह दियले धीरे धीरे सगरी कहानियां कह दियले गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानियां कह दियले इलाज सुनिएगा मंत्री राज में वापस गईले मंत्री राज में वापस गईले जहिया सुमंत जी गईले तहिया मरले मंत्री राज में वापस गईले मंत्री राज में वापस गईले कहल राम न वापस आईले कहल राम न वापस आईले ई है बात बिजुलिया बन के मरलसी महाराजा के हनके बात बिजुलिया बन के महाराजा के हनके ए राम तहर तीनों महतारी चिता पर जर के मरे जात रहली एही से ए अग्नि में जर के मरे जात रहलो हमरा ऐसन बाकी बचल बलो ओई दिन डोले लागल अयोध्या में रैनिया कह दियले गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह पहले जमीन पर गिर के छाती पर हाथ लगा के कहले कि इतना बड़ा घटना हो गए पिताजी से मुलाकात भी ना भई पिताजी मर गए
भरत कहले हाँ भैया पिताजी मर गईली। कहले कि पिता के मर गईला के बाद अयोध्या तू रहला काहे ना, अयोध्या में इतनी पर के होई। भरत कहले कि जहां संत तहां तीर्थ बासु और जहां राम तहां यवत निवासु, जौने जगह पर रामे ने कहते अयोध्या कौड़ी के बच गई। इस घर में प्रेम ना हो तो ये कुल करने से बेकार है कि नहीं बेकार है? पहले प्रेम। भगवान किस पर बिकते हैं? कोठा मारी पर, खेत बारी पर, रुपया खजाना पर, संपत्ति पर। परमात्मा को तो केवल प्रेम चाहिए महाराज। सेवरी के लग कौन प्रेम रहे, कौन धन रहे सेवरी के लग? अजामिल के लग कौन धन रहे, केवट के लग कौन धन रहे, सुदामा के लग कौन धन रहे? परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। सब कुछ कर लो लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो भगवान को रिझा नहीं पाओगे। राम जी खराऊ नहीं कर ले, आई है जल पादुका राम जी अपना भरत के दे तड़े। खराऊ जब कपार पर धो के भरत जी चले लगले। ए जो आखिरी लाइन कथा का चल रहा है कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सर पे खराऊ अखियों में पानी, सर पे खराऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खराऊ लेके गईले राजगद्दी पर भरत जी धैले, और अयोध्या से 9 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है, बाईपास जो रोड जा रही है। अयोध्या से 9 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है। कढ़ा खोल लें एक हाथ, उसकी चटाई बिछा लें और थाली में आरती लेके, ए तपस्या हमारे राम क्या किए हैं, तपस्या लक्ष्मण जी क्या किए, सीता मैया क्या की, अरे तपस्या और साधु बन के तो भरत रहे हैं। घर में रह करके साधु बन सकते हो कि नहीं? नहीं बनोगे? घर में रह करके पवित्र पावन विचार है तो साधु हैं, और साधु बन करके नरकी विचार है, चरित्र नहीं अच्छा है, कुकर्मी हो ढोंगी हो तो संत का कोई भाव नहीं है महाराज। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, सार सार को गही रहे थोथा देव। साधु बन के भरत जी जीवन बिता रहे हैं। थोड़ा आखिरी लाइन सब लोग गा लें कि रामा रामा रटते रटते, अरे जियल जाता तो तनी बोल लो हो दादा रामा रामा, कहा जानी मरक बरिया जी भी यार उनाई के कटैया बनो है रे दादा।